देख रहे होंगे। ये देखो ये आप पूरी तरीके से देख रहे होंगे किस तरीके से हमने एक कैपेसिटर एक वीपीएच का ढूंढा। दोस्तों अगर हम मान लो ये नहीं उठाते तो हमारी ये आईसी भी गर्म होती और हो सकता है उस आईसी की वजह से कैपेसिटर नहीं मिल पाता और आप सबसे पहले आईसी निकालते बदलते, आप अपना टाइम बहुत वेस्ट करते। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ से भी बीप देता है और यहाँ से भी देता है और यही रीजन है कि यहाँ पर इस बोर्ड में रजिस्टर को भी निकाला गया है। तो देखो क्योंकि निकालने के साइड दिख रहे ना, क्योंकि हल्का हल्का सा टेढ़ा लगा हुआ उठा हुआ लगा है। यहाँ पर बोर्ड है, एलेक्स है, वीएसवाई, ये देखो ये हमारा वीएसवाई है, यहाँ से हमारा बीपीएच बनता है। ठीक है, ये सब चार्जिंग के सेक्शन है। अगर दोस्तों आपको इन सब की नॉलेज नहीं है तो क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि फिर क्या ही बैठे हो आप दुकान में। फिर देखो वीएसवाईएस बन रहा है, लाइन में पूरी लाइन तो शॉर्ट नहीं होगी, एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा या पर्टिकुलर आईसी कोई इस लाइन से जुड़ी हुई। तो हम क्या करेंगे, हम बीपीएच की लाइन को ओपन कर देंगे, मतलब ये स्विचिंग हटा देंगे ताकि हमारा जो एम्पियर है हम डालेंगे वो इस आईसी पे ना जाए। ये देखो ये जो आईसी देख रही है ना, ये स्विचिंग मिला और आपने यहाँ पर आपने सोचा नहीं सर हम तो वोल्टेज 1.8 देंगे, नहीं सर हम वोल्टेज 1 देंगे, नहीं सर हम 0.9 वोल्टेज देंगे। अरे वोल्टेज से मतलब नहीं है, एम्पियर से है। एक फोन का आईसी एम्पियर से भी डैमेज होता है। एसएस एम्पियर दोगे तो क्या करेगा, वो सही रहेगा, सिर्फ वोल्टेज से सुना फर्क पड़ता है। जो आईसी क्या पता इस लाइन पे ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है जहाँ पे मैंने प्रोब रखा हुआ है, इस लाइन पे 3 एम्पियर चलता है। फॉर एग्जाम्पल 3 एम्पियर की मैक्सिमम लाइन है, ऊपर आप दे रहे हो 5 एम्पियर, आप दे रहे हो 10 एम्पियर, आप दे रहे हो शॉर्ट किलर से 20-30 एम्पियर, तो ये आईसी का डैमेज होना बनता ही बनता है। मैं आप अगर इस लाइन पे एम्पियर डाल रहे हो और ये लाइन इधर भी जा रही है और ये लाइन इधर भी जा रही है, तो वो एम्पियर भी उधर उधर दोनों को दौड़ेगा ना भाई। तो अगर इधर शॉर्टिंग के लिए दौड़ रहा है तो इधर ये आईसी को डैमेज करने के लिए दौड़ेगा। तो नोटिस करो, सो दिमाग में रखो कि हमको ये कहीं नहीं करना है कि हम यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए भी कर रहे हैं और यहाँ हम आईसी को डैमेज करें। फिलहाल मैं अपना सीपीयू मेमसी इसलिए नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि मेरी बीपीएच लाइन शॉर्ट है और बीपीएच लाइन सीपीयू में सिर्फ अपनी जिद के मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए सॉर्टिंग का एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। ये जो सॉर्टिंग है दोस्तों, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी लाइन में से किसी एक चीज में सॉर्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ये फुल शॉर्ट बता रहा है। नोटिस करो, ये देखिए दिख रहा है आपको, नोटिस करो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसे मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये फुल शॉर्ट ले रहा है, मतलब आपका जब 4.2 भी फ्लक्चुएट कर जाए तो इसका मतलब शॉर्टिंग फुल है। दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, फुल शॉर्ट आप में से बहुत सारे लोग बहुत आसानी से निकाल लेते होंगे। ये वीडियो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है और अगर आपको निकालना आता है तो वीडियो को छोड़ दीजिए अभी और जाकर किसी और वीडियो को आप देख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर फुल शॉट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, जो हम क्लास में भी एक्सप्लेन करते हैं, कि आप ना पहले ये चेक कर लो कि बी बैट पे शॉर्टिंग है या नहीं है, क्योंकि उस अगर बी बैट पे मतलब प्राइमरी जो कि बी बैट होता है, अगर बी बैट पे शॉर्टिंग नहीं है तो इसका मतलब बीपीएच जो सेकेंडरी लाइन है वीएसवाईएस, मीडियम टेक में वीएसवाईएस होती है, तो उसके अंदर शॉर्टिंग है। क्योंकि फुल शॉट ले रहा है, नोटिस करो। तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे, तो ये बी बैट है हमारा, देखो बी बैट पे शॉर्टिंग नहीं है। आप देखिए कि बी बैट पे आपको पूरी रीडिंग आ रही है, ये आपका बी एस आई और थर्म की लाइन है, बैट आईडी और थर्म की लाइन है, 1000-1000 के आएगा दोनों पर, 1000 का ऊपर, ठीक है, ये राउंड है। अब इसको मैं रिवर्स चेक करूंगा, मतलब रिवर्स मतलब पहले आपने वहां पर रेड लगाया था ग्राउंड पे, अब मैं ग्राउंड पे ब्लैक लगाऊंगा, ठीक है। इसको कहते हैं, देखो हम जैसे एक फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं, वैसे ही रिवर्स टेस्टिंग। तो ये दोनों हम चेक करेंगे और ठीक है, तो नोटिस कीजिए
तो अब मैंने पहले ब्लैक लगाया था यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर रेड लगाऊंगा, तो मुझे ना यहाँ पर 1000 के ऊपर आना चाहिए या ओएल, तो इसका मतलब मेरी बीपीएस शॉर्ट नहीं है, मान के चलता हूँ। तो देखो मुझे 1000 से कम आ रहा है, अगर मेरे को 1000 से कम आ रहा है तो इसका मतलब वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है, तो ये लीकेज हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सामने मतलब कहीं पे भी ये फोन पहले गया होगा तो कहाँ हुआ होगा। आप नोटिस करो आई, जैसे मैंने बोला हर डेड फोन का पहले आई डायग्नोस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस फोन में, आप देखो कि यहाँ पर काम हुआ है, मतलब हो सकता है कि शॉर्टिंग निकालने के लिए भाई साहब ने कोई ने चार्जिंग आईसी को निकाल दिया हो, ये चेक किया हो शॉर्टिंग निकली कि नहीं निकली, पीएफओ को भी उन्होंने निकाला हो। देखो यहाँ पर भी आपको फिट लग रही है, ये आईसी भी निकाली, क्योंकि आईसी निकालते समय देखो यहाँ से ब्रेक की गई है, मतलब क्योंकि कई बार हम ट्विजर को पकड़ते ना ऐसे, तो ये ब्रेक की गई है कॉम्पोनेंट पे, ठीक है। यहाँ पे भैया ने कोई काम नहीं किया होगा, ये देखो ये कैपेसिटर निकाले हैं। ज्यादातर अक्सर लोग ना सीपीयू के बग कैपेसिटर्स को निशाना बनाते हैं क्योंकि वो दोनों तरफ से बीप आते हैं, बट नो लॉजिक, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पर नोटिस करो, तो देखो यहाँ पे भी बीप और यहाँ पे रीडिंग है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ के कैपेसिटर निकाले हैं, फिर ये रजिस्टर भी देखो थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, आप नोटिस करो थोड़ा सा, तो मुझे लग रहा है कि क्यों। अच्छा ये रजिस्टर भी निकाल के लगाया है, मैं ये रजिस्टर को मैंने भी क्लास में खूब समझाया, पिछली बार मैंने आपको इसका वीडियो बनाया था, ग्राउंड का रजिस्टर होता है ये देखो, क्योंकि यहां से भी बीप देता है और यहां से भी देता है, और यही रीजन है कि यहाँ पर इस बोर्ड में रजिस्टर को भी निकाला गया है। तो देखो क्योंकि निकालने के साइन दिख रहे हैं ना, क्योंकि हल्का हल्का सा टेढ़ा लगा उठा हुआ लगा है, यहाँ पर शोल्डर ज्यादा है यहाँ कम है, ठीक है। और इस आईसी पे भी काम किया है, हीट मारी गई है, देखो इस आईसी को रोबोल किया होगा। देखो मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आईसी को रिबोल किया होगा या हीट मारी होगी जो भी है। और भैया इसको हीट मारने का कोई तो मतलब बनता ही नहीं है, कोई इस आईसी पर भी मारी है क्या, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है। खैर तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपनी वीपीएच लाइन को पता होना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा स्कीमेटिक भी समझते हैं, क्योंकि स्कीमेटिक से बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं, और अगर नहीं है स्कीमेटिक तो और भी आसान होता है, पर मैं स्कीमेटिक के थ्रू इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्कीमेटिक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइनों का नॉलेज होना। तो हम जाएंगे अपनी डीसी टू डीसी आईसी में, जो कि हमारी ये लगी है U20501, है ना, दिख रही है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे U2501। अब हम इसके चार्जिंग सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसका डीसी टू डीसी चार्जिंग सेक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ तो देखो कोई भी चार्जिंग सेक्शन नहीं है और ये खत्म हो गया है, तो इसको पार्ट में डाला गया है, तो अब इसको बी करेंगे। यहाँ पर देखो चार्जिंग सेक्शन मिल गया है, ये चार्जिंग सेक्शन है, बी बस एंटर कर रहा है, एमआईडी बन रहा है, वी बैट है, चार्जिंग बूट है, एलेक्स है, VSY, ये देखो ये हमारा VSYS है, यहां से हमारा बीपीएच बनता है, ठीक है। ये सब चार्जिंग के सेक्शन है। अगर दोस्तों आपको इन सब की नॉलेज नहीं है तो क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि फिर क्या ही बैठे हो आप दुकान में। फिर देखो VSYS बन रहा है और यहां से ये VSYS हर जगह जा रहा है। तो ये जो कॉयल है, ये कॉयल है जो बेसिकली अगर हमें निकाल दूं तो एटलीस्ट मैं VSYS के सिर्फ लाइन पे ही आ जाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये ना चार्जिंग से स्विचिंग से भी जुड़ी हुई है। देखो इसको मैं यहां से भी एक्सप्लेन करता हूं, बिट मैप से भी देख लो इसको। अगर ये देखो ये बिट मैप है,
बिट मैप से भी देख लो उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बीपीएच लाइन में सॉर्टिंग मिलती है, ये देखिए फिलहाल मैं आपको एक बार सॉर्टिंग भी दिखा देता हूँ मैं, हालांकि ये देखो यहाँ पर ना दोस्तों, ये नहीं है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है। तो ये कैपेसिटर जो है ये मेरे बीपीएच का कैपेसिटर है, ये देखो ये जो बीपीएच होता है ना, ये नोटिस करो, तो मेरी पूरी बीपीएच लाइन शॉर्ट है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये कैपेसिटर की पूरी लाइन, अब पूरी लाइन में पूरी लाइन तो शॉर्ट नहीं होगी, एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा या पर्टिकुलर आईसी कोई इस लाइन से जुड़ी हुई। तो हम क्या करेंगे, हम बीपीएच की लाइन को ओपन कर देंगे, मतलब ये स्विचिंग हटा देंगे ताकि हमारा जो एम्पियर है हम डालेंगे वो इस आईसी पे ना जाए। ये देखो ये जो आईसी दिख रही है ना, ये स्विचिंग कर रही है और यहां से ये बीपीएच बना रही है। आप नोटिस करो ये पूरी की पूरी लाइन ये सब बीपीएच है, ये जहां भी जा रहा है ये सारा, ये देखिए ये सारा बीपीएच है और इसमें से कहीं ना कहीं कोई लाइन हमारा शॉर्ट है जिसकी वजह से शॉर्टिंग आ रही है। अब वो ये शॉर्टिंग एलडीओ में भी हो सकती है, ये कैपेसिटर में, यहां पर कहीं पे भी हो सकती है, इस कैपेसिटर में या कहीं पे भी, जहां जहां ये जा रही है। तो क्या करना है कि इसको निकाल देना है, ठीक है, और फिर उसके बाद रोजिंग लगाना है, फीड देना है। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मोबाइल रिपेयरिंग को आसान ना समझें और टेक्निकली आप अगर स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ पाते हैं, या कोई भी जो इंस्टीट्यूट का टीचर है, बड़े इंस्टीट्यूट या छोटे इंस्टीट्यूट का टीचर है, वो नहीं पढ़ पाता है, और अगर वो सीपीयू एमएमसी को पूरा समझ नहीं पाया तो वो है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम कहीं पे भी वोल्टेज इंजेक्ट करना चालू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं वोल्टेज इंजेक्ट वहीं करूं जहां मुझे लगा हो कि वो सीपीयू एमएमसी से ना जुड़ा हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो, क्योंकि कोई नहीं बताएगा और आपके फोन का आपको शॉर्टिंग तो चला जाए या जो भी है, पर आपका फोन चालू नहीं होगा, फिर पता चला आप बोलोगे सीपीयू डैमेज है, फिर आप बोलोगे एमएमसी डैमेज है। अब आप बोल रहे हो सीपीयू कैसे डैमेज हो रहा है, सर अभी के फोनों का सीपीयू डैमेज हो रहा है 90% ये डैमेज गलत कारणों की वजह से हो रहा है, और जो है कहीं पर भी किसी भी कैपेसिटर पर वोल्टेज इंजेक्ट कर देना। अब आप अगर मान लो कोई कैपेसिटर सीपीयू से जुड़ा हुआ है, वो वीआईओ की लाइन है, वीडीडी की लाइन है, या कोई भी एक फलाना ठिकाना लाइन है, वगैरह वगैरह लाइन है, तो अगर वगैरह वगैरह लाइन है और अगर वो सीपीयू से जुड़ी हुई है, और अगर आपको मान लो आपको ये कैपेसिटर शॉर्ट मिला, ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट मिला और आपने यहाँ पर आपने सोचा नहीं सर हम तो वोल्टेज 1.8 देंगे, नहीं सर हम वोल्टेज 1 देंगे, नहीं सर हम 0.9 वोल्टेज देंगे, अरे वोल्टेज से मतलब नहीं है, एम्पियर से है, एक फोन का आईसी एम्पियर से भी डैमेज होता है, एसएस एम्पियर दोगे तो क्या करेगा, वो सही रहेगा, सिर्फ वोल्टेज से सुना फर्क पड़ता है। जो आईसी क्या पता इस लाइन पे ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है जहां पे मैंने प्रोब रखा हुआ है, इस लाइन पे 3 एम्पियर चलता है, फॉर एग्जाम्पल 3 एम्पियर की मैक्सिमम लाइन है, ऊपर आप दे रहे हो 5 एम्पियर, आप दे रहे हो 10 एम्पियर, आप दे रहे हो शॉर्ट किलर से 20-30 एम्पियर, तो ये आईसी का डैमेज होना बनता ही बनता है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर फोन में शॉर्टिंग निकालनी है और आपको अगर लगता है कि वो लाइन सीपीयू पे भी जा रही है, तो सबसे पहले इन दो आईसीओ को बाहर निकाल दो, और अभी के डेट में सीपीयू मेमसी पे काम करना ही है। अगर आप सीपीयू मेमसी पे काम नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो अपने मोबाइल रिपेयरिंग के इस बिजनेस में, आप बहुत जल्द आउट होने वाले हो। अगर आप इन दोनों को बाहर नहीं निकालोगे सेफली और तब शॉर्टिंग निकालो, फिर वापस इस दोनों को लगाओ। आप ये मत बोलो, ये मत सोचो कि मैं बिना निकाले ही सारा काम कर लूं, क्योंकि आप एक रिस्क में काम कर रहे हो। कोई वाली बात है, सामने कुआ है,
और एक पतली सी रस्सी, रिक्स में चल लो भाई, गिर गए तो गिर गए, गए जिंदगी, नहीं तो फिर, और नहीं तो है तो इंतजार करो, पुल बनाओ, बढ़िया से जाओ, गाड़ी वाड़ी भी लेके जाओ। तो कहने का मतलब ये है, पेशेंट के सामने काम करो, सीपीयू और आपका जो डाटा है, इसमें डाटा है सर, कोई भी एक अगर हाई इम्पेयर की वजह से शॉर्ट हो गया तो आपका डाटा लटक जाएगा। कस्टमर को ऑन करने के लिए वही जो आप सेम पैसे आपको में सीपीयू भी लगाना पड़ेगा, एमएमसी भी लगाना पड़ेगा। फिर आप कस्टमर को बोलोगे मेरा एमएमसी भी, आपका एमएमसी भी डेड था, आपका ये भी डेड था, कस्टमर मांगे मानेगा नहीं, फिर आपका टाइम भी वेस्ट। तो ऐसा मत करो, मैं फिर से कह रहा हूँ, एशिया टेलीकॉम के हर स्टूडेंट को भी मैं कहता हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि कभी भी शॉर्टिंग हो तो कहीं पर भी आंख बंद करके सिर्फ कहीं वोल्टेज मत डाल दो, क्योंकि कहीं सुनी बातें हैं, प्रैक्टिकली R&D की हुई बातें नहीं है। आप डाल दोगे चलो ठीक है, कैपेसिटर बिल गया आपकी किस्मत, और अगर मान लो कैपेसिटर नहीं बिलका और बात पेस्टेड सीपीयू पर रही और सीपीयू मान लो एक पॉइंट से शॉर्ट रहा तो वो और खराब हो जाएगा, हो सकता है नहीं भी हो तो ज्यादा एम्पियर आपका, क्योंकि आप अगर मान लो आप अगर इस लाइन पे एम्पियर डाल रहे हो और ये लाइन इधर भी जा रही है और ये लाइन इधर भी जा रही है, तो वो एम्पियर भी उधर उधर दोनों को दौड़ेगा ना भाई। तो अगर इधर शॉर्टिंग के लिए दौड़ रहा है तो इधर ये आईसी को डैमेज करने के लिए दौड़ेगा। तो नोटिस करो, तो दिमाग में रखो कि हमको ये कहीं नहीं करना है कि हम यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए भी करें और यहाँ हम आईसी को डैमेज करें। फिलहाल मैं अपना सीपीयू एमएमसी इसलिए नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि मेरी बीपीएच लाइन शॉर्ट है और बीपीएच लाइन सीपीयू में नहीं जाती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो बीपीएच लाइन का देख लेते हैं सीपीयू में जाती है कि नहीं जाती है। ये देखो एमएमसी में तो बीपीएच का कोई काम ही नहीं है, और आप सीपीयू में भी देखो तो सीपीयू में आपको एक भी पैड में जाती हुई लिखाई नहीं देगी। बीपीएच लाइन ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको सीपीयू एमएमसी में नहीं ना। तो भैया मेरे ऐसा काम सिखाना भी क्या जिसमें कस्टमर स्टूडेंट के फोन ही डेड होते रहे, है ना। कोई बात नहीं है, जिनको जितनी नॉलेज है वो उतना ही बताते हैं, और हमको ये है कि सही नॉलेज के साथ काम करना है। अब एक ये सबसे पहले हम ये हटा देंगे। दोस्तों मैंने ये क्यों हटाया, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना रास्ता ब्रेक किया पावर के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी शॉर्टिंग आ भी रही है और अगर वो सिर्फ इस डीसी टू डीसी की वजह से है तो वो एक यहां पर आएगी, नोटिस करो इधर आएगी, ये वाले इधर इधर दिखा देता हूं, देखो ये देखें इधर आएगी और इधर आई, तो इसका मतलब है या तो ये आईसी शॉर्ट है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर शॉर्ट होगा नहीं तो क्यों, क्योंकि सीरीज में और सीरीज में कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होते हैं, तो ये शॉर्ट नहीं होगा तो ये आईसी, बस सिंपल सी बात है। पर अगर इधर आई तो मतलब गेम बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, अब हम उस शॉर्टिंग को निकालेंगे। तो आइए अब चेक करते हैं, देखिए तो देखिए इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग इधर है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइन है वो बीपीएच की लाइन शॉर्ट है, और यहाँ पर हम बीपीएच की लाइन को शॉर्टिंग रिमूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड राउंड क्लियर करते हैं। पहला राउंड तो हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारी आईसी शॉर्ट नहीं है, सो ये क्लियर हो गया कि हमारी जो डीसी टू डीसी है वो शॉर्ट नहीं है। अब हम ये लाइन पे हम क्या करेंगे, रोजिंग लगाएंगे, जहां जहां हमारा बीपीएच बनता है चले। अब हम डीसी एम्पियर 5 एम्पियर के साथ में हम यहाँ पे टच करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या निकलता है।
देखिए ये मैंने ग्राउंड लगाया इसके साथ, ठीक है। अब मैं यहां पर टच करूंगा एक बार, सिर्फ एक सेकंड के लिए टच करना है। ये देखिए सिर्फ एक सेकंड के लिए टच किया है और थोड़ा सा आप देखते हैं कि कहां पर हमारा कोई कैपेसिटर, ये देखिए नोटिस कीजिए यहां पर एक कैपेसिटर है जो थोड़ा सा यहां दिखाई दे रहा है। तो एक थोड़ा सा और टच करते हैं और देखते हैं कि और ये अपना कलर छोड़ता है या गर्म होता है कि नहीं होता है। देखिए नीलम, तो देखिए अब ये पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे, ये देखो या आप पूरी तरीके से देख रहे होंगे किस तरीके से हमने कैपेसिटर एक वीपीएच का ढूंढा। दोस्तों अगर हम मान लो ये नहीं उठाते तो हमारी ये आईसी भी गर्म होती और हो सकता है उस आईसी की वजह से कैपेसिटर नहीं मिल पाता और आप सबसे पहले आईसी निकालते बदलते, आप अपना टाइम बहुत वेस्ट करते। तो कहने का मतलब ये है कि सटीक काम करो और मैं ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूं अगर ये काम बीपीएच के अलावा होता तो मैं सबसे पहले इन दोनों आईसीओ को बाहर करता, फिर मैं कहीं पर भी कितने भी एम्पियर देता, क्योंकि पावर बदल लो, रैम बदल लो, कोई भी आईसी बदल लो एक्स्ट्रा, तो आपका डाटा जो डैमेज नहीं होगा, पर अगर आपका सीपीयू और एमएमसी पर चला गई बात तो फिर कस्टमर का पैसा बनता नहीं है बिल्कुल भी। तो इस कैपेसिटर को निकालेंगे, देखिए फिलहाल अब इसको निकाल के चेक करेंगे। ठीक है तो चलिए अब हम चेक करेंगे। हमें उनके टावर में दिख रही है हरी वाली, कल से नहीं दिख रही है। देखिए और कि हमारा सॉर्टिंग निकला है या नहीं निकला है, आमतौर पर देखे कैपेसिटर तो काला ही है दिख रहा है। तो देखो रीडिंग आ गई हमारे को, तो इसका मतलब हमारी जो शॉर्टिंग है वो निकल चुकी है। और ये जो कैपेसिटर है ये मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पर देखो कैपेसिटर बीप दे रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो चुका था। अब यहां पे वापस हम रीडिंग चेक करेंगे दोनों ओर, तो एक ओर ये दूसरी ओर चेक करेंगे, तो अब यहां पे 1000 के ऊपर मतलब लगभग मिलने चाहिए, देखो 1000 के ऊपर रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा शॉर्टिंग जो था वो निकल गया है। अब हम यहां पे एक दूसरे बोर्ड से कैपेसिटर लगा देंगे। दोस्तों आपकी मर्जी, आप कैपेसिटर लगाओ नहीं लगाओ, ठीक है, बट अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो फायदा आपका है। तो कैपेसिटर उठाते हैं एक, चलो ले आई ढूंढ के, अब इसी को यू, ये तुम्हारी टावर है, ठीक है, देखो ध्यान से, अभी तुम्हारे लिए एक नई टावर ला देंगे। छुपी हुई थी क्या रे, तो चलिए हमने कैपेसिटर भी लगा दिया है सेम। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा फोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ, या भैया किसी ने कहीं शॉर्ट क्लियर देके अपना सीपीयू हमारा खराब कर तो नहीं दिया है। तो
ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि कहीं पर भी शॉर्ट किलर, कहीं पर भी 5 एम्पियर नहीं लगाना है। अपने लाइनों की जानकारी लो और ये भी देखो कि कहाँ 5 एम्पियर जा रहा जाना चाहिए, जहाँ कहाँ 3 एम्पियर जाना चाहिए। अपडेट हो जाओ, बस कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब इसको चेक करेंगे बोर्ड में लगा के, जहाँ पर शॉर्टिंग थी। क्यों उठ गया बच्चा? हाँ। है? पता नहीं। देखो जाके देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। और देख लेते हैं कि हमारा फोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। फिर से लगाता हूँ, कनेक्टर थोड़ा सा ढीला सा लगा था। देखिए तो हमारा फोन ऑन हो चुका है और हमने जो शॉर्टिंग निकाली है दोस्तों, वो हमने BPS से निकाली है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा टेक्निक से निकाली है और समझ के निकाली है, हमने ऐसे नहीं निकाली कि उठाए और कहीं पे भी वोल्टेज इंजेक्ट कर दिए। अगर आप कैपेसिटर शॉर्ट भी देखते हो, और आप कहीं पर भी देखें, अगर आप कैपेसिटर शॉर्ट कहीं भी देखते हो, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप कैपेसिटर, मान लो आपने देखा कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो वहां पर प्लीज वोल्टेज इंजेक्ट मत करना। अगर आप वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो आपका फोन का डाटा डैमेज हो सकता है, CPU MMC, क्योंकि वो हो सकता है बग का हो सकता है VDD का हो सकता है RAM का हो, और अगर ये ICR डैमेज हुई तो आप कस्टमर को शायद ही डाटा दे पाओगे। सो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।